नमस्कार, दृश्य न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। इस वक्त मैं राजभवन के पास मौजूद हूं और कुछ देर पहले रत्नेश सदा ने मंत्री पद की शपथ ली है और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले ये सुनिए। कलम सोनवर्षा के लिए कितना विकास हो पाएगा आपके मंत्री? जो अधूरा काम बचा हुआ पूरा कर देंगे। दलित समाज के लिए कितना विकास होगा सर? अरे पीछे की जमा आपको हम कर्म करके बता देंगे जो कितना विकास होगा। हम माननीय मुख्यमंत्री के एकल अधिकार है, उनको करेंगे। तो आपने सुन लिया कि कैसे रत्नेश सदा अपने क्षेत्र में विकास की बात कर रहे हैं और वही इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मांझी को लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत कर और सबसे बात करके इंटरव्यू कर दिया और फिर तुरंत गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया, स्वीकार किए बाहर से, लेकिन तभी स्वीकार किए और तुरंत हम जो नया मंत्री बना उनका भी उसी दिन 13 कोई भेज दिए, उनका आ गया और वो क्योंकि बाहर थे। आज के बारे में देखिए, आप समझ लीजिए कि केंद्र सरकार को अधिकार नहीं, चुनाव तो पहले करा ही सकता है। जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। तो हम लोग थे श्रद्धे अटल जी के साथ, तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनौवा करा दिया था। हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया, वो अलग बात है। ये तो कभी भी कोई कर सकता है। अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है, तो हो सकता है उन लोगों को लगे कि लग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो पहले कर देगा। मैंने इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया कि आप समझ लीजिए। तो एक बार सबको मालूम था कि जहाँ कहीं भी बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे आप, मिल करके फिर हमारे आप ही आकर के कहते थे कि हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई इतना नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं, अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करें। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो भी होता सब बीजेपी को खबर होती, इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया आप लोग ने, जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, अलग हो गए, अलग क्या हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हमको अपने कोटा के ना बना दिए थे, तब फिर हम तो उसी तक बनाए। तो आपने सुन लिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साफ कहना है कि जीतन राम मांझी अगर महागठबंधन के साथ होते तो 23 जून को जो बैठक होने वाली है उस बैठक में जो भी चर्चा होती उसके बारे में वो बीजेपी को जानकारी देते और इससे विपक्षी एकता की मुहिम को एक बड़ा नुकसान हो सकता था। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।